आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयार है। यूपी बीजेपी का चुनाव पोस्टर जारी, मोदी योगी के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। राजधानी में सपा परिवार की अहम बैठक, अखिलेश शिवपाल यादव करेंगे अहम बैठक। बैठक में मुलायम सिंह और राम गोपाल भी होंगे शामिल। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर और डीजीपी मुकुल का काशी दौरा, विकास कार्य कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे अहम बैठक। सीनियर आईपीएस असीम अरुण ने लिया वीआरएस, बीजेपी में शामिल हुए आईपीएस कन्नौज सदर से लड़ सकते हैं चुनाव। दिल्ली एम्स में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 200 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित, 7 दिन में 40 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर बांदा से है, जहां बांदा चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू कर दी है, क्योंकि जनपद में 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होना है और आदर्श आचार संहिता लगते ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। राजनीतिक दलों के होल्डिंग्स और बैनर उतार दिए गए हैं, साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के तहत विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। पांच राज्यों के चुनाव की तिथियां घोषित की गई हैं, जिसके दृष्टिगत चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है और हमारी पूरी टीम, पुलिस की, नगर पालिका की और सभी लोगों की टीम, हम लोग आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु पूरी तरह से तत्पर हैं। प्रथम चरण में डिफेसमेंट की कार्रवाई हो रही है और आगे भी आदर्श आचार संहिता का आयोग के निर्देशानुसार। और चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथि घोषित होते ही सोनभद्र में आचार संहिता के तहत प्रशासन आचार संहिता का पालन कराने के लिए सड़क पर आ गया है और विभिन्न पार्टियों के नेताओं के लगे बैनर पोस्टर को चट्टी चौराहे से जब्त करने की कार्रवाई में लग गया। रॉबर्ट्सगंज के बड़ौली चौक पर सदर एसडीएम और क्षेत्राधिकारी माय फोर्स पहुंचकर आचार संहिता के पालन में विभिन्न पार्टियों के लगे पोस्टर और बैनर को उखाड़कर नगर पालिका में ट्रैक्टर द्वारा भिजवा दिया गया है। खबर मऊ से है, जहां आदर्श आचार संहिता लगने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन कुमार सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में शहर की जितनी भी जगह है वहां से बैनर पोस्टर को हटाने का काम किया जा रहा है। अगर बिना अनुमति के कोई बैनर पोस्टर लगता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू कर दी गई है, अधिसूचना जारी होने की सूचना प्राप्त होते ही यहाँ पर क्षेत्राधिकारी नगर और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका उनकी टीम के साथ में आप देख रहे हैं गाजीपुर स्थित की रहे से लेकर आर्यनगर मोड़ और सब जगह पूरे नगर में विभिन्न टीमें काम कर रही हैं। सब बैनर पोस्टर वगैरह सारी जगह से हटवा रही हैं। साथ में सभी को ये निर्देशित अभी किया जा रहा है कि बिना अनुमति के कोई भी बैनर पोस्टर नहीं लगाएगा, अन्यथा अभी तो हटाया जा रहा है, इसके बाद सुसंगत धाराओं मुकदमा भी दर्ज किया। खबर फतेहपुर से है, जहां जगह जगह लगी होल्डिंग्स कटआउट बैनर को उतारा जा रहा है। चुनाव आयोग ने दोपहर बाद जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही तहसील प्रशासन जहानाबाद और समस्त विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में राजस्व प्रशासन हरकत में आ गया है और जगह जगह लगे पोस्टर बैनर शुभकामनाएं संदेश को हटाते हुए उन्हें जब्त कर लिया गया और आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए राजस्व की टीम कस्बे सहित ग्रामीण इलाकों में पहुंची। उत्तर प्रदेश के महोबा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गौशालाओं में अर्थव्यवस्थाओं के चलते आए दिन गौवंशियों की मौत हो रही है। बता दें कि चरखारी तहसील में आने वाले ग्राम सूपा में बनी गौशाला में आए दिन गौवंशियों की मौत होने की शिकायतों को लेकर विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ खासा आक्रोशित है और हिंदू संगठनों द्वारा दोषी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि सूपा गांव की गौशाला में
अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं और जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कागजी काम निपटाने में लगे हैं। हिंदू संगठन ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इनका कहना है कि सीएम योगी की छवि को खराब करने के लिए अधिकारी जानबूझकर गौशालाओं में लापरवाही बरत रहे हैं और गौवंशों की अकाल मौत हो रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो महोबा से ये खबर सामने आई है। हम जब वहां गए तो वहां देखा इतनी बुरी हालत के गौवंश को कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं और कीचड़ इतना बुरा मचा पड़ा है कि कीचड़ में गौवंश गपे हुए हैं, जिंदा गौवंश गपे हुए हैं। कुत्ते खींच खींच के ले जाते हैं, गौशाला के अंदर ही खाते हैं उनको। मैं प्रशासन अधिकारी उच्च से उच्च अधिकारियों से मांग करता हूं, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ महाराज जी की छवि के पीछे लगे हुए हैं, आने वाले 22 के चुनाव में महाराज जी की सरकार ना बने। मैं महाराज जी से और उनके अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि इन अधिकारियों को सख्त सख्त कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाए, अन्यथा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन पर उतरेंगे अगर इनके ऊपर। फरीदाबाद में देर रात से बारिश होने के कारण जल भराव हो गया है। स्मार्ट सिटी कही जाने वाली फरीदाबाद के नेशनल हाईवे समेत तमाम इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जल भराव से यहां रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो नगर निगम हो या स्वास्थ्य विभाग, इनके कर्मचारियों की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं सरकार के आदेशों की पालन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो नगर निगम में कर्मचारियों की कमी के कारण जो जल भराव की स्थिति है वही बनी हुई है, जिससे फरीदाबाद के वासियों को इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम लोगों को जल भराव की समस्या का समाधान कर पाता है या नहीं। बहुत सा समस्या का सामना करना पड़ रहा सर, इसलिए पानी भरा हुआ है यहाँ पे, इसके वजह से कोई गेस्ट आते जाते नहीं है, सीवर जाम है, नगर निगम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सो आप देख रहे हैं ना सर, झूठा दावा किया जा रहा है ना, आपके सामने में पानी भरी हुई है, गेस्ट का लोगों को आने जाने में सो परेशानी हो रही है, यहाँ तो सब परेशान है सर। प्रशासन को ढंग से काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी से काम करना चाहिए, ये पानी नालों में जाना चाहिए, यहाँ कोई ग्राहक आने को राजी नहीं है यहाँ। चारबाग स्टेशन से वाराणसी से अपनी बहन के साथ लखनऊ आई 16 वर्षीय लड़की को बहला फुसला कर युवती को खाना खिलाने के बहाने कुछ युवकों ने अगवा कर लिया। युवती ने जैसे तैसे कैंट क्षेत्र में गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। युवती तो घबरा कर भागता देख पत्रकारों ने रोक कर 112 पर सूचना दी। इस घटना के बाद से लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सजग रहती है और इन दावों को धूमिल कर दिया गया है। जनपद मैनपुरी में भी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष कराने को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम और मैनपुरी कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध शस्त्र बनाने वाला एक अभियुक्त उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर मोहनपुर से ब्योती जाने वाले मार्ग पर बंद पड़े भट्टा के सामने एक कोठरी में एक व्यक्ति अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वहां पहुंचकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर और तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। कोतवाली मैनपुरी टीम ने संयुक्त रूप से मिलकर एक बहुत ही बड़ी सफलता अर्जित की है। चुनाव के मद्देनज़र एसपी साहब के निर्देशन में अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत एक शस्त्र फैक्ट्री बरामद की गई है। एक व्यक्ति है राजेंद्र पुत्र नेत्रपाल सिंह, ये रहने वाला घिरोर का है, ये अवैध शस्त्र बनाता था। इसको सूचना मिली थी, इस पर हम लोग कार्य कर रहे थे, इसको आज सफलतापूर्वक पकड़ा गया है। अब तमंचे भी और बनाने के फैक्ट्री का जो भी सामान है सब बरामद किया गया।
लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सवैया तिराहे के निकट बटी रेस्टोरेंट के सामने गैस सिलेंडर से लदा वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें कि गैस सिलेंडर लादकर एक वाहन रायबरेली की तरफ से प्रयागराज की ओर जा रहा था, जैसे ही वाहन सवैया तिराहे के निकट बटी रेस्टोरेंट के सामने पहुंचा तो अनियंत्रित होकर पलट गया और पास में मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर चालक और खलासी को बाहर निकाला। हालांकि घटना में दोनों सवार बाल बाल बच गए और साथ ही गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना नहीं घटित हुई। तो सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है, जहां आसपास में मौजूद ग्रामीणों ने ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, क्या है पूरा मामला, ये जो ट्रक अनियंत्रित हो गया इसके पीछे क्या वजह थी? ये कहीं ना कहीं जो है लगातार रायबरेली जिले में जो 3 दिन से पानी गिर रहा है उसके कारण भी है, और जो अनियंत्रित तेज रफ्तार होकर ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक बगल में एक जो है वो खड्ड में जा गिरा। हालांकि सिलेंडर लदे थे लगभग 450 के आसपास, लेकिन कोई सिलेंडर लगा नहीं, फटा नहीं, और एक बहुत बड़ा हादसा होने से चल गया। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे रायबरेली से। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एनटीपीसी आवासीय परिसर स्थित संत जोजेफ स्कूल द्वारा राष्ट्रगान के अपमान का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि एक वर्ग विशेष के बच्चे पर अपमानित भाषा का प्रयोग करने के मामले में स्थानीय स्तर पर मामले को गर्मा दिया है। ब्रह्मकुल समाज द्वारा सेंट जोजेफ स्कूल के अध्यापक द्वारा एक वर्ग विशेष के बच्चे पर टिप्पणी कर अपमानित करने के संबंध में अभिभावकों ने ब्रह्मकुल समाज के बैनर तले शक्तिनगर थाने में तहरीर देकर उचित कार्यवाही की मांग की है, और साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भी रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा है और कहा है कि ठोस कार्यवाही नहीं होती है तो ब्रह्म समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी एनटीपीसी प्रबंधन और सेंट जोसेफ विद्यालय प्रबंधन की होगी। एनटीपीसी कैंपस में सेंट जोसेफ स्कूल है, उसके टीचर प्रकाश मरांडी हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ अशब्द भाषा का प्रयोग किया है, उसी का हम लोग ज्ञापन देने आए थे इंस्पेक्टर सर के यहाँ। हम लोग की ये मांग है कि उसको बर्खास्त किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, और अगर आगे नहीं होता है कोई कार्रवाई तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन देंगे। जिला प्रशासन जिम्मेवार रहेगी इसकी और एनटीपीसी जिम्मेवार होगी। मुझे अवगत हुआ कि उनके स्कूल के कुछ टीचरों द्वारा ब्राह्मण समाज को अशब्द बोला गया है, और जिसके लिए ब्राह्मण समाज आके यहाँ ज्ञापन सौंपा है। मैं ये थाना अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूँगा कि आए दिन सेंट जोसेफ विद्यालय के अध्यापकों द्वारा हिंदू समाज के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई जा रही है वो ठीक नहीं है, और मैं ये मांग करता हूँ थाना अध्यक्ष महोदय से कि अगर उनके खिलाफ़ कठोर से कठोर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आगे आने वाले समय में हमारे द्वारा, हमारे संगठन द्वारा उचित कार्रवाई करने पर और विरोध करने के लिए मजबूर होंगे। मामला यह है कि मैं ब्राह्मण कुल का कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। हमारे स्कूल के बच्चों ने आकर के हमारे यहाँ समस्या बताया कि हम लोग कॉलेज में स्कूल में जाते हैं, हम लोग को खड़ा करके पूछा गया कि आप किस क्या नाम है आपका, बच्चे ने अपना नाम बताया तो उन्होंने बोला कि किस किस बच्चे ब्राह्मण है, किसके बच्चे ब्राह्मण है, सब लोग खड़े हो जाएं। बच्चे सब खड़े हुए, बोले आप लोग को पढ़ना क्या है, पढ़ना आप लोग के पूर्वज तो मंदिरों में जाके घंटी बजाते थे, भिक्षा मांगते थे, और इस तरह का अपमान सूचक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। बच्चे हीन भावना मन में पाल करके घर पर आए कि आप लोग जब पढ़ते ही नहीं हैं तो हम लोग क्यों पढ़ें। बच्चों में बहुत ही हीन भावना आ गई है, इसलिए हम लोग आज उत्तेजित होकर के आज थाना को भी ज्ञापन दे रहे हैं, विद्यालय को भी देंगे, और जिलाधिकारी महोदय को भी देंगे, और शिक्षा विशेष अधिकारी जी को भी देंगे। इस विषय में जो यह तथाकथित मामला उठाया जा रहा है, इस संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन के संज्ञान में कोई जानकारी नहीं है, तथापि
प्रधानाचार्य जी इस पर विचार करेंगे, परंतु हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारा विद्यालय सर्वधर्म संभाव के साथ पिछले 4 दशक से इस क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।